अभी बाहर रह रह के अपने फेस को काला कर चुके हैं, यानी कि धूप से आपकी स्किन जल चुकी है या फिर आपकी स्किन डल पड़ गई है, आपका जो फेस का कलर है वो ब्लैक हो गया है यानी कि काला पड़ने स्टार्ट हो गया है, या फिर आपके फेस पर सनबर्न की प्रॉब्लम हो गई है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई है और आप परेशान हैं कि आप अपने फेस को कैसे जो है ठीक करें, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पार्लर में जाकर कोई अच्छा सा ट्रीटमेंट लें या फिर कोई अच्छा सा फेशियल कराएं, तो इन सब के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जो है घर बैठे 10 से 15 मिनट अपने फेस पर इस फेशियल को कर लें और आपका जो फेस है बहुत अच्छे से चमक उठेगा, आपका जो फेस है जो काली परत है आपके फेस पर वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी। जी हाँ, इस फेशियल को करने के बाद चाहे आपके फेस पर पिगमेंटेशन हो, चाहे आपके फेस पर सनबर्न हो, चाहे आपके फेस पर मेलाज्मा हो या फिर आपका जो चेहरा है वो काला पड़ गया है, तो उसको भी आप घर बैठे ठीक कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इस फेशियल से। जी हाँ, आप इस फेशियल को करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी कहोगे कि आपका जो फेशियल था बहुत अच्छे से आपके फेशियल ने काम किया है, आप मुझे खुद से कमेंट करके जाने वाले हो। जी हाँ, क्योंकि मैंने इस फेशियल को खुद पर्सनली अपने फेस पर ट्राई किया है, क्योंकि आजकल जो है बाहर मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा है और जी मेरा फेस बहुत ख़राब हो गया था, तो फिर क्या हुआ मैंने इस फेशियल को किया कंटिन्यू। देखिए अभी जो है इस फेशियल को करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता हुआ है और मेरा चेहरा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, आप देख सकते हो, और मेरे जो है यहाँ पर डार्क सर्कल जो ब्लैक ब्लैक होता है ना वो उस टाइप का जैसे कि डार्क सर्कल सा हो जाता है वो हो गया था, और यहाँ पर नोज पर भी जो है पिगमेंटेशन और सनबर्न की प्रॉब्लम होने ही लगी थी कि मैंने ये फेशियल करना स्टार्ट कर दिया और मेरा फेस जो है फिर से क्लीन हो गया है। जी हाँ, आपको भी लगता है कि आप जो है अपने फेस को कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट देना चाहते हैं घर बैठे, तो आप इस फेशियल को ज़रूर से करें, बहुत अच्छा है और बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताऊँगी समझाऊँगी पूरा इस वीडियो में। प्लीज़ आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप स्किप करो तो हो सकता है कि आपसे जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है वो मिस कर लो, तो प्लीज आपको कंटिन्यू वीडियो देखनी है। तो चलिए मैं जल्दी से बता देती हूँ इस फेशियल के लिए आपको क्या क्या चीज लगने वाली है। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज आप जो है वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आप वीडियो को लाइक करें और मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है अपने फेस के लिए एक पहला स्टेप लेना है, आपको लेनी है दही, खट्टी दही आपको लेनी है यहाँ पर, और अपने फेस पर जो है एज अ क्लिंजिंग की तरह इसको यूज करना है। ठीक है, आप चाहें तो आप इसमें पिंच भर हल्दी ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं भी पिंच भर जो है मैंने यहाँ पर हल्दी ले ली है, और इसको अच्छे से मिक्स करना है और अपने फेस पर आपको अप्लाई करना है, ऐसा आपको करना है। और आपको सूट नहीं करती है, वैसे तो हल्दी सभी को सूट करती है, तो या फिर आपके घर पर नहीं है कस्तूरी हल्दी तो आप यहाँ पर स्किप करें, यहाँ पर आपको किचन की हल्दी नहीं लेनी है, आपको जो है कस्तूरी हल्दी ही लेनी है। तो इस तरीके से आपको इसको लगा लेना है और इसकी 6 से 7 मिनट आपको मसाज करनी है इस तरीके से अच्छे से। देखिए ये आप जो है हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप जो है इसको रोज़ाना भी कर सकते हो, आपके फेस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो, या फिर आपका चेहरा बहुत सारा या फिर आपका चेहरा जो है काला पड़ गया है तब भी आप जो है इसको रोज़ाना करोगे तो इससे देखोगे आप बिल्कुल आपका चेहरा निखर उठेगा, आपको ना ही कोई फेस वॉश महंगे महंगे जो फेस वॉश होते हैं ना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको कोई स्किन वाइटनिंग क्रीम की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये खुद में ही जो है बहुत अच्छे से काम करेगा, आपके फेस को बहुत अच्छे से चमका कर रखेगा। इसे करने के बाद आप, मैं सच में बोलती हूँ गाइस कि आप कुछ भी ट्राई कर रहे हो ना सब भूलने वाले हो, इतना अच्छा रिजल्ट इसका आपको मिलने वाला है। और आपको बहुत सारी पिगमेंटेशन है, भर भर के पिगमेंटेशन है और आपकी पिगमेंटेशन नहीं जा रही है, तब आप इस दही में जो है थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो पिसी हुई कर सकते हैं, आप चाहे तो चीनी भी, यहाँ पर जो दानी वाली होती है यानी कि मोटी होती है तो उसको भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसके साथ आप इस तरीके से करोगे तो आपकी जो एक जो लेयर है यानी कि पिगमेंटेशन की जो लेयर है या फिर जिद्दी से जिद्दी डार्क स्पॉट वगैरह हैं तो वो अच्छे से रिमूव होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपका चेहरा क्लीन है, तब आप स्किप कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने शुगर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं अपने फेस पर कभी कुछ ट्राई करती रहती हूँ और मेरा चेहरा इतना बेकार नहीं है, तो इसलिए मैं अपने फेस पर शुगर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज आपको लगता है तो आप ज़रूर से यूज करें। इस तरीके से आपको कर लेना है। तो देखिए 6 मिनट हो गए हैं और हमारा फेस जो है अच्छे से क्लीन हो गया है। जो डेड स्किन थी, जो गंदगी थी, जो ओपन पोर्स में गंदगी हो जाती है, तो उससे जो है अच्छे से मतलब आप जो है छुटकारा पा सकते हो इस स्टेप को करने के बाद। जी हाँ, आपके ओपन पोर्स खुलेंगे, उसमें जो गंदगी है वो अच्छे से बाहर आएगी। तो ये स्टेप आपको ज़रूर से करना है। आपको ओपन पोर्स की दिक्कत है तो फिर तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको ये करना ही करना है। और आपको लूज स्किन की प्रॉब्लम है तब भी आपको ये स्टेप करना ही है। तो देखोगे आप बहुत अच्छा सा जो है निखार एक ही बार में आपको मिलने वाला है। अभी दूसरा स्टेप बाकी है, तो यहाँ पर अपने फेस को आप वॉश कर सकते हैं या फिर आप इसी के ऊपर दूसरा स्टेप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने फेस को धोने वाली हूँ। तो चलिए मैं अपने फेस को धोकर आती हूँ और आपको रिजल्ट भी दिखाती हूँ कि एक बार में कितना अच्छा रिजल्ट आया है और दूसरा स्टेप हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए मैं अपने फेस को धोकर आती हूँ। तो देखिए मैंने अपने फेस को धो लिया है और एक ही बार में निखार भी बहुत अच्छे से आया है और जो गंदगी थी मेरे फेस पर, यानी कि जो धूल मिट्टी थी और जो ओपन पोर्स में गंदगी इकट्ठी हो जाती है, वो अच्छे से रिमूव हो गई है। तो हमारा फेस बहुत अच्छे से निखरा निखरा लग रहा है। और यहाँ पर हमने जो है अभी पहला ही स्टेप किया है, दूसरा स्टेप बाकी है। तो गाइस आप कहीं भी शादी पार्टी में जा रहे हो तब भी आप इस फेशियल को कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से रिजल्ट आपको मिलेंगे। बिल्कुल इंस्टेंटली ग्लो मिलेगा और फेस आपका चमकेगा बहुत अच्छे से। आपको कुछ भी जो है वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि आपको जो है 2-3 बार इसको करना है तब रिजल्ट मिलेगा, नहीं, आप एक ही बार में काफ़ी अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। तो देख सकते हो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से चेहरा चमक रहा है। तो इसी के ऊपर अब हम दूसरा स्टेप करने वाले हैं, यानी कि अपने फेस को वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ दूसरा स्टेप करना है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि दूसरे स्टेप में आपको क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहले जो है आपको लेनी है पिसी चीनी लेनी है। तो यहाँ पर मैंने पिसी चीनी ले ली है 1 चम्मच और इसमें आपको 1 चम्मच लेना है चावल का आटा। चावल का आटा आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर जो है गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन चावल का आटा है तो बैलन गुड है, बहुत अच्छे से आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ही चावल का आटा लिया है और 1 चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी ली है। और जी इसमें आपको पिंच भर जो है हल्दी लेनी है, तो मैंने यहाँ पर पिंच भर हल्दी ले ली है और ये हल्दी कस्तूरी हल्दी है। तो आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो आप ऐड करें, अदरवाइज किचन की हल्दी आपको नहीं लेनी है। और इसमें आपको ऐड करना है दही, तो दही इतना होना चाहिए जितना कि आपका पेस्ट अच्छे से बन जाए। और जी आपके पास दही गाढ़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, पतला भी दही आप यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन खट्टा दही आपको यहाँ पर लेना है। खट्टा दही आपके पास होगा तो बहुत अच्छे से आपके फेस पर काम करने वाला है और आपके जो दाग धब्बे हैं बहुत ही जल्दी से लाइट अप होंगे और आपका चेहरा बहुत अच्छे से निखर कर आएगा। तो यहाँ पर आपको खट्टा दही लेना है। खट्टे दही की जगह आप जो लस्सी होती है, छाछ होती है, मट्ठा होता है, उसे भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं किसी वजह से आपके पास दही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो पेस्ट है वो अच्छे से रेडी हो गया है। और जी इसको आपको कैसे लगाना है, देखिए इसमें हमने चीनी ऐड की है, तो चीनी हमारे जो फेस पर बहुत ज़्यादा बाल वाल की प्रॉब्लम हो जाती है ना, जो रुआ टाइप हो जाता है, वो भी क्लीन होने वाले हैं और हमारे फेस पर निखार भी बहुत अच्छे से लेकर आने वाली है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लगाना है और इसकी मसाज करते जाना है। ये बहुत अच्छे से मसाज क्रीम और स्क्रब और पैक सभी चीज़ का जो है काम करने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं जो कि हमारे फेस को बहुत अच्छे से ब्राइट बनाएगी, यंग बनाएगी, हमारी स्किन को बहुत अच्छे से टाइट करेगी। तो ये चीज़ें हमने इसमें ऐड की है, तो आप भी इसको इस तरीके से बनाएं और अपने फेस पर लगाएं। देखिए आप पहला स्टेप नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप पहला स्टेप करोगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन किसी वजह से आप नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप दूसरा जो मैं बता रही हूँ ये डायरेक्ट आप यूज कर ले, कसम से मैं कहती हूँ कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से आपके फेस पर ग्लो निखार आएगा। अभी तक आपने देखा निखार इतना नहीं आया था, यानी कि फेस पर ग्लो इतना अच्छा नहीं आया था जितना कि अब आएगा। तो इस तरीके से आपको मसाज करनी है और मसाज 15 से 20 मिनट करनी है। तो इस तरीके से आपको मसाज कर लेनी है। चलिए मैं भी 15 से 20 मिनट इसकी अच्छे से मसाज कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
तो देखिए मसाज हमारी डन है और जी यहाँ पर मैंने 15 से 20 मिनट अच्छे से मसाज कर ली है और रिजल्ट आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से स्किन ग्लोइंग बनी है, बहुत अच्छे से ग्लो आएगा। चलिए मैं अपने फेस को धोकर आती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा निखार आया है। तो देखिए चेहरे को धोकर आ गई हूँ मैं और चेहरा बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है, चमक रहा है, जैसे कि कोई शीशा चमकता है वैसे ही हमारा फेस भी चमक रहा है। या फिर हम कोई अच्छा सा हाइड्रा फेशियल या फिर कोई अच्छा सा ट्रीटमेंट लेते हैं ना, तब हमारा फेस पर बहुत अच्छे से ग्लो आता है, वैसा जो है हमारे फेस पर ग्लो आ रहा है सिर्फ और सिर्फ घर की चीज़ों से। तो आप इस तरीके से फेशियल कर सकते हैं और आप भी अपने चेहरे को चमका सकते हैं। तो यहाँ पर अपने फेस को ड्राई कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं लगाया अपने फेस पर और मेरी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो कर रही है। देखिए आप बहुत अच्छे से नोज पर और यहाँ पर भर भर के ग्लो आएगा, कुछ टाइम बाद देखोगे आप बहुत अच्छे से ग्लो आएगा, क्योंकि हम कुछ भी ट्राई करते हैं तो हैंड टू हैंड तो नहीं इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है जितना कि कुछ देर बाद में बहुत अच्छे से हमारे फेस पर ग्लो आता है, हमारी स्किन चमकती है। तो वैसे ही आपको भी रिजल्ट मिलने वाला है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे आप कॉमेंट ज़रूर करना कि आपको कितना इससे रिजल्ट मिला और आपकी क्या प्रॉब्लम थी, तो आप कॉमेंट में ज़रूर लिखना। और वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक भी करना। चलिए फिर मिलती हूँ ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।